एक बार महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप कर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को काफी कष्ट दिया, घने जंगलों में कड़ी साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन निराश होकर बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराश और अविश्वास के इन नकारात्मक भाव ने उनको शुद्ध कर दिया। कुछ ही क्षण बाद उन्हें प्यास लगी। वह थोड़ी दूर स्थित एक झील पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के दो बच्चे झील में डूब रहे हैं। पहले तो वह गिलहरी जड़बत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर वह झील के पास गई और अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया। फिर वह बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे, इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है, क्या कभी इस तरह से झील को सुखा सकेगी। किंतु गिलहरी का यह प्रयास लगातार जारी रहा। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो, यह झील कभी खाली होगी या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अंततः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वह सोचने लगे कि जब यह नन्ही सी गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझमें क्या कमी है, मैं तो इससे हजार गुना अधिक क्षमता रखता हूँ। यह सोचकर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले गिलहरी के बच्चों को डूबने से बचाया और पुनः अपनी साधना में लग गए। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने एक गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वह भगवान बुद्ध हो गए। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपने प्रयास करते हुए निराशा मन में नहीं लानी चाहिए। कभी ना कभी हमारे करे हुए प्रयास हमें सफलता जरूर देगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं